24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में, तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद, तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे? नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है। आप लोग बिहार में चूंकि पत्रकारिता करते हैं तो आपको लगता है कि दुनिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। भाई नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व का नेता नहीं है। 24 के नजरिए से इतना कह सकता हूं कि एक दल जो सबसे बड़ी हार जिसको होगी वो है जदयू, उसको 5 सीट नहीं आएगा। बाकी किसको कितना सीट आएगा नहीं आएगा ये ना मेरा विषय है, ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूं। भाई गठबंधन का कोई भविष्य कभी था ही नहीं। गठबंधन क्यों बनाया गया पहले आप ये समझिए। नीतीश कुमार को आप जितना समझते हैं उससे कम हम भी नहीं जानते हैं। गठबंधन बनाने से पहले नीतीश कुमार सबसे पहले हमसे मिलने दिल्ली आए, हमको 4 घंटा समझाया कि गठबंधन हम क्यों वापस बनाना चाहते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन उन्होंने सिर्फ इसलिए बना, उनको कोई लालू यादव तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, उनको कोई भाजपा के नीति से दिक्कत नहीं है। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में, तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद, तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। ये नीतीश कुमार के मन में ये डर था कि 24 में अगर हम इस गठबंधन में बने रहे भाजपा के साथ, 24 में लोकसभा जीतने के बाद भाजपा वाले हमको हटा देंगे, क्योंकि दल तो भाजपा का बड़ा था बिहार में, तो वो उनको ऐसा लगता था कि भाजपा वाले अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे लोकसभा जीतने के बाद, तो भाजपा ऐसी स्थिति पैदा करे उससे पहले ही छोड़कर लालू यादव के साथ चले जाए तो कम से कम 25 तक तो कुर्सी बच जाएगी। अब उनको ये समझ आकलन नहीं है कि भाई अगर आप महागठबंधन के साथ गए, अगर आप चुनाव हारे तो आपका दल ही नहीं बचेगा, तो गठबंधन बनाइएगा किससे?